कभी कभी जिस समय आपको ये स्मरण होने लगे कि परिवार में तीन भाई, चार भाई, पांच भाई, छह भाई, दस भाई, बहन, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब या पति पत्नी जो भी हमारे घर में रह रहे हैं और उनमें अब थोड़ी थोड़ा 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 विवाद चालू हो गया। कितने विद्वान लोग कथा सुन रहे हो, सबको मालूम है कि दवा मरने के बाद नहीं खाई जाती, दवा जीते जी खाई जाती है। इसलिए कह रहे हैं जीते जी राम के लो, मरने के बाद राम नाम सत्संग के चक्कर में मत रहना। जीते जी भगवान का भजन कर लो, जीते जी दान करो, जीते जी पुण्य करो, जीते जी सत्कर्म करो, जीते जी भगवान का नाम लो, जीते जी शिव का नाम लो। एक लोटा पानी चढ़ाना तो जीते जी चढ़ा, शिव महापुराण की कथा करवाना है तो जीते जी करा, भगवान का भजन करना है तो जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए दवा जीते जी खाओगे तो शरीर ठीक होगा, रोग मिटेगा। मरने के बाद मुर्दे को दवा खिलाने की कौन सा लिखा है, डॉक्टर भी मना कर देगा तो निपट गया रुई फंसा देना, दिया लगा के पटक दो कमरे में, कहीं नहीं बचा। दवा मरने के बाद नहीं खाई जाती, दवा जीते जी खाई जाती है। भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, शिव महापुराण की कथा मरने के बाद नहीं सुनी जाती, जीते जी सुनी है। जीवन वही सार्थक है जो भगवान की भक्ति में लगा है, और मोबाइल वही सार्थक है जो शिव महापुराण की कथा में लगा है। नहीं तो कहा मतलब नी नेटवर्क मिल रहा, महाराज जी इधर उधर बैठे हैं, दिख भी नहीं रहे, तो है ना मोबाइल किस काम का, किस काम का, निकालो, चालू करो यूट्यूब और निकालो, आ रहा होगा पगला महाराज सी और वाला, देख ले चालू करो, तुम्हारे क्या दिक्कत, नी दिख रहा नहीं महाराज, तो तापने की जरूरत है, दो चार चक्कू चौके तो फिर जाकर, मोबाइल है नहीं अपने पास में है, खोल यूट्यूब निकाल लो और चल जाओ जाके कथा माइक में सुन रहा है, बाकी का महाराज फोटो में तो दिख ही रहा है, बोल तो रहा है, दिख रहा है, पर किसी को कष्ट देकर कथा सुनो तो उसमें सुख नहीं। आप आनंद पाओ, जीते जी राम गुण गाओ, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद लोग लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा सब जोरदार निपटाएंगे, 12वें 13वें में कड़ी गरम गरम पूड़ी मंगवा के खाएंगे, कोई नहीं याद करेगा। जी जी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जब तो निपट जाएगी। कभी कभी जिस समय आपको ये स्मरण होने लगे कि परिवार में तीन भाई, चार भाई, पांच भाई, छह भाई, दस भाई, बहन, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब या पति पत्नी जो भी हमारे घर में रह रहे हैं और उनमें अब थोड़ी थोड़ा 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 विवाद चालू हो गया है, कुछ ना कुछ क्लेश चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो प्रयास करा करो कि भगवान शिव पर थोड़ी सी हल्दी चढ़ाकर, फिर कच्चा दूध चढ़ाकर, फिर जल चढ़ाया। क्या क्या चीज, पहले शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है अपने को, थोड़ी सी हल्दी, पीसी सी, फिर दूध, फिर जल, और फिर बेल बेल शंकर को समर्पित। शिव पर समर्पित करी गई हल्दी रोगड़दानी मेरे भोलेनाथ को समर्पित करा हुआ गया, किसी भी चीज का स्मरण कर लीजिए जो शिव जी के पास है, वो जनमानस के लिए। शंकर के पास जो चीज रखी है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण की रखी है। शंकर की के पास रखा हुआ कोई सामान छुपा हुआ नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं। पास रखा हुआ सब उजागर, सब उजागर, चंद्रमा सिर पर, विष कंठ पर, सर गले में, मृग छाला शरीर पर, और कुछ जो भी है वो सब सब एक बार स्वयं अति शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न कर लिया था कि तुम्हारे पास में अगर हम कोई पदार्थ समर्पित करते हैं तो वो
चढ़ी हुई सामग्री आपके पास में जैसे नीचे उतरती है तो वो निर्माल्य बन जाती है। जैसे देवताओं पर चढ़ा हुआ फूल नीचे उतरा निर्माल्य बन गया, भगवान पर चढ़ा हुआ कोई सामान नीचे उतरा निर्माल्य बन गया, फिर वो भगवान पर चढ़ाने के लायक नहीं रहेगा, फिर दूसरा ही चढ़ाना पड़ेगा। तो माँ आदिशक्ति, माता पार्वती, माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा स्वयं भगवान शंकर से पूछती हैं कि जिस सारे देवताओं पर सामग्री चढ़ती है उतरने के बाद निर्माल्य बन जाती है, आपके ऊपर कोई सामग्री चढ़ती है क्या वो भी निर्माल्य बन जाती है? शंकर भगवान कहते हैं बस यही तो अंतर है पार्वती कि वो देव हैं, क्योंकि वो वैकुंठ में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण लोक, वरुण लोक आदि आदि ना जाने कितने कितने लोकों में उनका निवास है, पर मैं इस संसार में रहता हूं, मृत्यु लोक में रहता हूं। मेरा चढ़ा हुआ निर्माल्य नहीं होगा, वो जनमानस के कल्याण का होगा, जनमानस के कल्याण का होगा जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ, वो निर्माल्य नहीं। क्योंकि शिव कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अगर आप कोई वस्तु लिए हो तो वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाती, उसको आप प्रयोग करते रहते हो। साधारण सी भाषा में समझ लो, और सरल भाषा में, जैसे तुमने एक जोड़ कपड़ा लिया, कपड़ा लेने के बाद वो कपड़ा पहनते 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 8-10 साल हो गए, 15 साल बाद वो गल गया, कालर के पास से फटने लगा, तो तुमने उसको जरा फट रहा था तो उसकी तुमने अच्छे से बनाकर एक गोदड़ी बना दी, बच्चे को सुलाने वाली, बच्चे को सुलाने की गोदड़ी बनाई, बच्चा सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा, वो भी बेकार हो गया, उसको और उधेड़ लिया, उधेड़ने के बाद उसको तैयार करा, तैयार करने के बाद उसको जो तुमने बनाया गाड़ी वाड़ी पोछने का कपड़ा, पोछने वाला कपड़ा भी अगर बेकार होने लगा तो फिर तुमने उसकी चिंदी फाड़ी और फाड़ने के बाद छोरा छोरी को नजर लग गई तो उसकी उतार के आग लगा दी। ले अब सोचो जरा, 10-15 साल 20 साल उसने पहन लिया, फिर पहनने के बाद छोटे बच्चे ने पहन लिया, बच्चे के बाद उसके बच्चे ने पहन लिया, बच्चे के पहनने के बाद वो गोदड़ी बन गई, गोदड़ी बनने के बाद पोछे में काम आ गया, पोछे में काम आने के बाद में गाड़ी की सफाई में काम आ गया, आखिरी में फिर वो पोछा कपड़ा भी सोचता होगा, क्यों? क्योंकि वो इतनी जल्दी निर्माल्य नहीं हो गए। मेरे देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शंकर जी कहते हैं मेरे ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर तुम वापिस चढ़ा सकते हो। वापिस मेरा श्रृंगार आप मेरे ही पुष्प से कर सकते हो, मेरा श्रृंगार आप मेरे ही पुष्प से कर सकते हो। सारे देवताओं में और देव अधिदेव महादेव में यही अंतर है। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ना कोई बेल मिले, ना कोई भगूती मिले, ना कुछ बताया जाए, केवल शिव महापुराण का पशुपति व्रत या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या शंकर जी पे एक लोटा पानी या एक चावल का दाना या एक मूंग या एक धतूरा या 5 बेलपत्र या शहद, ये साधारण सी चीज है। आज संपूर्ण विश्व आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ये इतनी सी चीज से, इतनी सी सामग्री से, इतने से पदार्थ से क्या भगवान इतनी जल्दी जीत जाता है? हम तो आपसे इतना भी कहेंगे कि आपको अगर सियोर वाला महाराज कह रहा है कि मूंग चढ़ाओ या चावल चढ़ाओ या बेलपत्री चढ़ाओ, हम तो कहेंगे तुम्हारा मन करे तो चढ़ाओ और नहीं चढ़ाना हो तो बिल्कुल मत चढ़ाओ, तुम तो चढ़ाओ भी मत, पर दिल से एक बार उसके पास जाकर खड़े होकर कह तो दो हर हर।
एक बार दिल से तो कहो उसको।